आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके से विंडो एसी के अंदर गैस चार्जिंग की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि सिस्टम को ऑलरेडी वैक्यूम कर लिया है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर वैक्यूम करने के बाद अब आगे का प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा गैस चार्जिंग कैसे की जाती है। उसके बाद जो वैक्यूम पंप की जो चार्जिंग लाइन थी साइड वाली, वो हमने अपने सिलेंडर से कनेक्ट कर ली है। यूनिट में अभी क्या कर रहे हैं, हम कनेक्शन करके रख रहे हैं क्योंकि अभी क्या है ऑफ कंडीशन में हम आधी गैस डालेंगे, उसके बाद के सिस्टम को ऑन करके एम्पियर वगैरह मशीन कितना एम्पियर लेगी वो सारा चीज़ चेक कराएंगे और बाद में आपको गैस का कितना स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर होना चाहिए वो सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सिलेंडर हम सबसे पहले खोलेंगे, वहाँ से बंद लगेगी। ठीक है, यहाँ सिलेंडर खोलिए, कुछ करेंगे झटके से खुलेगा ऐसे नहीं। हाँ खोलिए, अब हटा दीजिए, अब सिलेंडर उल्टा कर दीजिए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चार्ज करेंगे। अभी जब आपने वैक्यूम पंप पे से चार्जिंग लाइन को अपनी कनेक्ट किया है, ठीक है, देखो क्यों करने हैं। अभी हम एयर पर्स करेंगे, एयर पर्सिंग क्या कहलाता है उसको समझिएगा। ठीक है, आपने सिस्टम वैक्यूम किया, प्रॉपर वैक्यूम किया, टाइम भी दिया, आधा घंटा वेस्ट किया अपना। ठीक है, पूरा आधा घंटा टाइम देकर के वैक्यूम किया और वैक्यूम पे आपने स्टेबल उसको छोड़ भी रखा है। ठीक है, अब क्या है, अब चार्जिंग लाइन आपने जैसे ही वैक्यूम पंप से हटा करके सिलेंडर से कनेक्ट की ना, उतनी देर में आपकी चार्जिंग लाइन के अंदर क्या है एयर चलेगी, क्योंकि एयर को जगह चाहिए, जहां भी स्पेस मिलता है वो वहां चली जाती है। ठीक है, और डायरेक्ट अभी आपने सिलेंडर खोला और अगर इसी तरीके से गैस चार्जिंग कर देंगे ना, तो वैक्यूम करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है एयर के साथ मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर भी अंदर मौजूद चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, चार्जिंग लाइन के अंदर जो एयर थी उसको निकालना जरूरी है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहां से अपने यहाँ जो गेज है, गेज का हैंडल बंद करके रखेंगे, इसको ये जो साइड वाला पोर्ट है, ये जो चार्जिंग लाइन है जो कनेक्ट है आपके सिलेंडर से, वहां से हम इसको हल्का सा खोलेंगे, लूज करेंगे, थोड़ी एयर बाहर आएगी, एयर के बाद हल्का सा रेफ्रिजरेंट जैसे ही बाहर आएगा बंद कर देना है। ठीक है, तो करिए जरा, बस बंद कर दीजिए, रेफ्रिजरेंट आता है तो अलग से ठंडा ठंडा दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है एयर पर्सिंग करना। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम क्या है धीरे धीरे गैस चार्जिंग करेंगे, पहले थोड़े अमाउंट पे डालेंगे और उसके बाद थोड़े अमाउंट, एकदम से सारा लोड नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी हैंडल खोलिए, जाने दीजिए थोड़ी देर, बस बंद करिए, बंद करो। ठीक है, अब फिर से इस तरीके से दो तीन बारी थोड़ा वेट कर करके हम क्या सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, अभी अभी प्रेशर 2 सेकंड 5 सेकंड वेट, हाँ वेट करना होता है। ठीक है, अभी करिए जरा, जाने दीजिए थोड़ा, बंद करिए जरा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में हमने, बिल्कुल लो अमाउंट में क्या अपनी गैस चार्ज की है। तो यहाँ देखिए स्टैंडिंग प्रेशर ये काफी कम शो कर रहा है आपको, लगभग 30 PSI शो कर रहा है अभी, क्योंकि क्या है बहुत ही कम अमाउंट पे, अभी धीरे धीरे इस तरीके से भी चार्ज करेंगे। तो अभी ये स्टैंडिंग देखना पड़ेगा, अभी R22 गैस है आपकी, R22 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, 150 से 170 PSI के बीच में होता है लगभग स्टैंडिंग, जो कि रुका हुआ है ऑफ कंडीशन में बताएगा। जैसे अभी अगर आप सिलेंडर की जो चार्जिंग लाइन है गैस से कनेक्ट करते हैं और सिलेंडर को खोलते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरनली प्रेशर है वो बताता आपको। ठीक है, बट अभी क्या है गैस चार्जिंग जो है वो स्टैंडिंग प्रेशर के बिहाफ पे हम नहीं करते हैं। अगर आपके पास सबसे अच्छा तरीका तो है कि वेइंग स्केल, यानी वेइंग मशीन है आपके पास जिसमें वेट नाप सकते हैं, तो तौल के करना चाहिए गैस चार्जिंग, कभी भी करनी है। आपके एसी पे लिखा रहता है इतने ग्राम कितना अमाउंट डालना है, 800 ग्राम डालनी है, 750 ग्राम डालनी है, 900 ग्राम डालनी है, डिपेंड करता है आपके एसी के टन के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बाय वेट गैस चार्जिंग करते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या है, वेइंग स्केल अगर आपके पास नहीं है तो उस सिचुएशन में आप रनिंग गैस का जो रनिंग प्रेशर है उसको देख करके आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से थोड़ा सा और चार्ज करिए, हो गया, हाँ ठीक है, तो ये लगभग आ रहा है। अभी हम एसी को ऑन करेंगे, ऑफ कंडीशन में हमने थोड़े अमाउंट में ऑलरेडी गैस डाल दी है, अब सिस्टम ऑन करेंगे, एम्पियर भी चेक करेंगे और साथ साथ आपका रनिंग प्रेशर भी चेक करेंगे। अब जब गैस कम अमाउंट में रहती है तो फ्रॉस्टिंग आने लग जाते हैं, इस तरीके से डालिए दोबारा से, दोबारा
देखो अब हल्की हल्की अब हीटिंग होने स्टार्ट हुए यहाँ पे, ठीक है। तो वन बाय वन करके क्या है, इसी तरीके से वन बाय वन करके चार्ज करना है। कितना चार्ज करना होता है मैडम ये? ग्राम के ऊपर है कि कितना ग्राम चलती है। नॉर्मली अभी प्रेशर जो आपका होगा ना वो 70 से ये 60 से 70 psi के बीच में था खाना, ठीक है। हाँ, गैस के अंदर पूरा डल जाएगा, 70 psi है, ठीक है। उसके बीच में दोबारा नहीं, वो स्टैंडिंग था जो मैंने बताया था, 150 से 170 psi। ये रनिंग प्रेशर है आपका, नहीं अब क्या हुआ आपका ऐसे चालू हो गया तो गैस का रनिंग प्रेशर शो करेगा जो चालू है, चालू कंडीशन, ठीक है। चालू कंडीशन में 60 से 70 होना चाहिए, 60 से 70 उसी के बीच में थोड़ा जाएगा। हम प्रॉपर अमाउंट डाल लेते तो दोबारा लीक हो रहे हैं, नहीं बहुत कम अमाउंट में ना, बिकॉज़ धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया। एमपीएल देखिए कितना ले रही है मशीन, 7 है अभी, बढ़ेगा अभी थोड़ा सा, 7 पॉइंट्स बन जाएगा, 7 आपका ये देखिए लगभग 70 psi है, ये देखिए ये 50 की हो गई और ये 60 की जो दिख रही है इस साइड से, मेरी साइड से देखिए तो ये 60 और 65 से हल्की से 60 से ऊपर है, यानी 65 के बीच में लगभग लगा सकते हैं। तो 60 और मोटिव यही है कि आपका R22 है तो 60 से 70 psi के बीच में रनिंग प्रेशर होना चाहिए। अब और क्या है, दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा हीट अच्छे से रिजेक्ट करेगा उतना बढ़िया कूलिंग होगा। तो आगे लाइनों को भी टच करके जैसे ये चिल्ड हो रही है यहाँ सेक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिस्चार्ज लाइन पर आता है बहुत गर्म हो रही है, ठीक है। उस तरीके से सेक्शन देखो पूरी चिल्ड हो रही है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी चार्जिंग लाइन्स वगैरह को भी हाथ कंडेंसर के आउटपुट तक आते हैं, नॉर्मल तापमान में हो जाता है ऊपर, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन होता है वहाँ पे, वेपर से लिक्विड हो जाता है इस वजह से। और बिल्कुल कैपिलरी के आगे आते हैं बिल्कुल क्या ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है इस वजह से, ठीक है। साइकिल के हिसाब से जो है तो अवस्था में पता चल जाएगा कि टेम्परेचर का भी अनुमान लगता रहेगा आपको। वहीं डिस्चार्ज होंगे तो गर्म होगी और सक्शन छोड़ेंगे तो वहीं चिल्ड होना चाहिए, रनिंग के इतने नहीं होने चाहिए। हाँ, 60-70 के बीच में, ठीक है, 160 से 160 तो इस तरीके से गैस चार्जिंग की जाती है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको क्या है अपनी गैस का स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर दोनों ही पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर क्या है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो गैस चार्जिंग करेंगे वो कॉल के करिए, यानी बाय वेट करनी चाहिए, बिल्कुल भी ओवर चार्ज नहीं होगी कभी भी जिंदगी में। जितना लिखा है उतने लीजिए, कूलिंग भी प्रॉपर लेगा, एम्पियर भी प्रॉपर शो करेगा। तो ये देखिए एक मिनट। तो इस तरीके से गैस चार्जिंग की जा रही है, अगली वीडियो इस पे कैसे किस तरीके से गैस चार्जिंग की जाएगी उसको जल्दी आएगी। धन्यवाद।